हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 सप्लीमेंट्री के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर द थिप्स स्टोरी। दोस्तों, यह स्टोरी जो है, इस स्टोरी पर बेस्ड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो बच्चे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख चुके हैं या अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। और जो भी बच्चे अभी तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, तो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को आप लोग जो है अटेंड करें, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, अगर पढ़े हैं तो एक अनिल होता है और एक हरी सिंह होता है। अनिल जो होता है वह हरी सिंह को काम देता है, और जो हरी सिंह था वो एक चोर था जो हर महीने अपना नाम बदलता था। इस बार वह जो है अनिल के पास आया है अनिल को लूटने के लिए, अनिल को चकमा देने के लिए। तो अंतत्वगत्वा होता क्या है कि वो आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिल जाएगा कि वो अनिल का जो बिहेव था, जो व्यवहार था, वह किस तरह से चोर की जो मनोदशा थी उसको चेंज कर देता है। तो डीप एक्सप्लेनेशन इसका जो है आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलेगा, तो अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और इसको सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, हाउ ओल्ड वाज अनिल। अब यहाँ पर अनिल की बात की जा रही है कि अनिल जो था वह कितना ओल्ड था, यानी कितना बूढ़ा था, अर्थात अनिल की उम्र क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों के विकल्प हैं स्क्रीन पर, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर है। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का 20 ईयर्स, सेकंड है 22 ईयर्स, थर्ड है 23 ईयर्स और फोर है हम लोगों का 25 ईयर्स। यानी कि जो अनिल था, जो हरी सिंह चोर को अपने घर में काम देता है, उसकी उम्र क्या थी। तो आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि वह चोर जो था हरी सिंह 15 वर्ष का था और अनिल जो उसको काम देता है वो 25 वर्ष का था। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन फोर जो दिख रहा है, ये ऑप्शन हम लोगों का फोर करेक्ट आंसर है। तो अनिल की उम्र क्या थी, तो अनिल की उम्र जो है 25 वर्ष थी, ये हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ ओल्ड वाज द थिप बॉय। जो थिप मीन्स चोर, बॉय मीन्स लड़का था, उसकी उम्र क्या थी, ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी उम्र थी जो चोर लड़का था, यानी हरी सिंह जो अपना नाम इस स्टोरी में बताया है, उसकी उम्र क्या थी। 10 ईयर्स थी, 15 ईयर्स थी, या फिर 16 ईयर थी, या फिर 18 ईयर थी। तो आप लोगों को पूरी तरह से पता है कि वो जो चोर लड़का था जिसका नाम इस स्टोरी में हरी सिंह है, उसकी उम्र क्या थी। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का जो है करेक्ट आंसर है, वो 15 ईयर्स का था, अर्थात 15 वर्ष का था। ऑप्शन सेकंड पर क्लिक किए, देखिए हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अनिल लिव्ड इन ए रूम। अनिल जो था वह लिव्ड रहता था इन ए रूम, एक कमरे में, इन ए शॉप, एक शॉप में, शॉप थी, एक दुकान थी, उस दुकान के एक कमरे में रहता था। तो उस दुकान का नाम क्या था, यानी कि अनिल जिस कमरे में रहता था तो वहाँ जो दुकान थी वो दुकान का नाम क्या था, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अनिल लिव्ड, अनिल रहता था इन ए रूम, एक कमरे में, इन ए शॉप नेम्ड, तो उस दुकान का क्या नाम था, जिस दुकान के ऊपर वाले कमरे में रहता था उस दुकान के नाम का, दुकान का नाम हमसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का जुमना स्वीट शॉप, या फिर गंगा स्वीट शॉप, या फिर गणेश स्वीट शॉप, या फिर शंकर स्वीट शॉप। कौन सा मिष्ठान भंडार था जहां पर ये अनिल रहता था रूम लेके, तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो जिस रूम में रहता था तो उसके नीचे जो शॉप थी वह शॉप जो है जुमना स्वीट शॉप शॉप थी, यानी कि जुमना मिष्ठान भंडार थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल। व्हाट मीन्स क्या, डिड द बॉय, वह जो चोर लड़का था, आस्क मीन्स पूछता है या कहता है अनिल से, यानी वह जो लड़का था हरी सिंह था जो चोर था वह अनिल से क्या कहता है, क्या कहता है।
तो देखिए ऑप्शन है टू गिव हिम सम मनी कि उसे कुछ पैसे दे दीजिए पैसे के लिए कहता है, या फिर टू एम्प्लॉय हिम या फिर एम्प्लॉय यानी कि काम उनसे मांगता है, या फिर टू गिव हिम सम फूड कि उसे कुछ भोजन दे दीजिए उसके लिए कहता है, या फिर टू टेल हिम द वे या उसको कोई वे बताइए, कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता बताइए इसके लिए कहता है। तो जो लड़का था वह अनिल से क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ना ही तो उनसे पैसे मांगता है और ना ही उनसे कुछ भोजन मांगता है और ना ही उनसे कोई रास्ता कहता है कि हमको बताइए, बल्कि टू एम्प्लॉय हिम, टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है कार्य, काम मांगता है कि आप हमें अपने घर में कुछ काम दे दीजिए जिसको हम करेंगे ताकि वो काम करने के बहाने एक दिन उनको लूट सके। तो जो चोर लड़का था वह उनसे कार्य मांगता है, एम्प्लॉय हिम। तो ऑप्शन जो है हम लोगों का सेकेंड करेक्ट आंसर है ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हू हायर, हू मीन्स कौन, हायर्स करता है, हायर्स का मतलब होता है नियुक्त करना, कौन नियुक्त करता है हरी सिंह को एज ए हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है सहायता करने के लिए, घर का काम काज करने के लिए, इन हिज हाउस अपने घर में, यानी कौन अपने घर में हरी सिंह को काम काज करने के लिए नियुक्त करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अनिल नियुक्त करता है, गणेश नियुक्त करता है, अनिकेत नियुक्त करता है या फिर गौरव, कौन है जो हरी सिंह को हेल्पिंग हैंड के लिए यानी कि काम में सहायता के लिए अपने घर में नियुक्त करता है। तो देखिए इसमें जो ये थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का, ये नाम का कहीं पर उल्लेख ही नहीं हुआ है, गणेश, अनिकेत, गौरव, तो अनिल ही था जो हरी सिंह को अपने घर के काम काज के लिए नियुक्त करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या पूछा है, व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय एट फर्स्ट। देखिए व्हाट मीन्स क्या, अनिल जो था वह डू मीन्स करता है टू द फूड भोजन के साथ जो कुक्ड पकाया गया था, फूड मीन्स भोजन, कुक मीन्स पकाया जाना, बाय द बॉय लड़के के द्वारा, उस चोर लड़के के द्वारा, द फर्स्ट डे पहले दिन वो जो चोर लड़का था उसके द्वारा जो भोजन पकाया गया था उस भोजन के साथ अनिल क्या करता है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है एट इट विथ हैप्पीनेस, जो भोजन वह पहले दिन पकाया था चोर लड़का उसको अनिल बहुत हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता के साथ खा गया, या फिर पुट इट इन ए रेफ्रिजरेटर या उसको जो है रेफ्रिजरेटर में रख दिया अर्थात फ्रिज में ले जाकर भोजन को रख दिया, या फिर थ्रू इट टू ए स्ट्रे डॉग या फिर उसको आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ते और थ्रू मीन्स होता है फेंकना, या उसको आवारा कुत्तों को फेंक दिया, या फिर आस्क्ड द बॉय टू इट आल या फिर उस लड़के से कहा कि तुम ही पूरा खा जाओ, क्या करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या करता है, उसको प्रसन्नतापूर्वक खाता भी नहीं है, उसको फ्रिज में भी नहीं रखता है और उसको पूरा खाने के लिए कहता भी नहीं है, बल्कि आवारा कुत्तों को वह उस भोजन को क्या करता है, फेंक देता है अनिल, जो पहले दिन उस चोर लड़के के द्वारा पकाया गया था, क्योंकि उसको खाना कैसे बनाया जाता है ये पता नहीं था, लेकिन वो झूठ बोला था कि मैं खाना पका लेता हूँ। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर है, देखिए ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज अनिल डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था अनिल, अनिल डूइंग मीन्स कर रहा, व्हेन जब द थीफ बॉय वह चोर लड़का मेट हिम, मेट मीन्स मिला हिम उससे, यानी कि जब चोर लड़का जो था अनिल से मिला तो अनिल क्या कर रहा था, वॉचिंग ए मैच, राइटिंग एन आर्टिकल, प्लेइंग बैडमिंटन या फिर गोइंग ऑन द रोड, सड़क पर जा रहा था या बैडमिंटन खेल रहा था या फिर एक आर्टिकल लिख रहा था या वॉचिंग ए मैच या एक मैच देख रहा था। तो जब जो चोर लड़का था वह किससे मिलता है, अनिल से मिलता है, तो अनिल उस समय जो है एक वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच, यहाँ पर रेस्टलिंग मैच रहेगा हम लोगों का, तो वह एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा कि वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच, वह एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था जब उससे जो ए चोर लड़का था जाकर के मिला था अनिल से। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड अनिल गिव अप ऑन हिज डिसीजन टू
थ्रो हरि सिंह आउट। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, व्हाट मेड, व्हाट मीन्स क्या, मेड विवश करता है या क्या वजह थी। अनिल गिव अप, जो अनिल था वो गिव अप कर दिया, त्याग दिया। ऑन हिज डिसीजन, अपने फैसले को। टू थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना हरि सिंह को, यानी कि जो अनिल था जो डिसीजन कर लिया था कि मैं हरि सिंह को अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, तो क्या वजह थी कि वह अपने इस डिसीजन को, इस निर्णय को गिव अप कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, उसको नहीं निकाला, क्या रीजन था। हिज हैप्पी फेस, उसके प्रसन्न चेहरे को देख करके वह अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, या फिर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देख करके वह इस अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, या फिर हिज अपीलिंग स्माइल, या उसकी जो आकर्षक मुस्कान थी उस मुस्कान की वजह से अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, या फिर हिज हार्ड वर्क, या वो जो कठिन परिश्रम करता था उसकी वजह से। यानी क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मेड अनिल गिव अप, क्या वजह थी कि अनिल ने त्याग दिया अपने फैसले को हरि सिंह को बाहर निकालने का जो फैसला किया था। तो वो जो चोर लड़का था उसकी जो अपीलिंग स्माइल थी, जो आकर्षक मुस्कान थी, उस मुस्कान की वजह से ये उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और जो डिसीजन लिया था कि मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा, तो वो नहीं निकालता है। और वो जो चोर लड़का था उसका सबसे बड़ा हथियार यही था कि जब भी वह कोई गलती करता था तो अनिल को देखकर बहुत अपीलिंग स्माइल करता था, बहुत आकर्षक मुस्कान दे देता था, जिसकी वजह से वो फिर से इससे काफ़ी जो है प्रसन्न हो जाता था, उसको काफ़ी दया आ जाती थी, हम लोग ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है, हिज अपीलिंग स्माइल, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्लिक किए इस पर, ये हम लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, वेयर डिड अनिल कम एक्रॉस विद हरि सिंह। वेयर मीन्स कहाँ, डिड अनिल, जो अनिल था, कम एक्रॉस का मतलब हो जाएगा मिलना, विद हरि सिंह, हरि सिंह के साथ, यानी कि अनिल जो था वह हरि सिंह के साथ कहाँ मिला, एट द मार्केट, बाजार में, एट ए रेस्टलिंग मैच, या एक कुश्ती के मुकाबले में, फिर या इन ए मॉल, एक मॉल में। तो देखिए कहाँ पर वो मिला, तो आप लोगों को ये अभी क्वेश्चन हम लोग बताए ही हैं आप लोगों को कि दोनों की मुलाकात जो है एक रेस्टलिंग मैच में हुई थी। तो यहाँ से हम लोगों का ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डिड अनिल थ्रो अवे हरि सिंह फर्स्ट कुक्ड मील टू द डॉग्स। अब वाई मीन्स होता है क्यों, अनिल जो था वो क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया, थ्रो अवे का मतलब फेंक देना, हरि सिंह के फर्स्ट, पहले दिन कुक्ड मील, पकाए हुए भोजन को, टू द डॉग, कुत्तों के लिए। यानी जो अनिल था वह हरि सिंह के द्वारा जो पहले दिन भोजन पकाया गया था उस पकाए हुए भोजन को कुत्तों को क्यों फेंक दिया था, क्या वजह थी, क्यों वह भोजन को कुत्तों को फेंक दिया था। तो पहला ऑप्शन है विकास, क्योंकि हरि सिंह डिड नॉट नो, हरि सिंह नहीं जानता था, नो मीन्स जानना, हाउ, कैसे टू कुक पकाया जाता है, यानी हरि सिंह नहीं जानता था कि कैसे भोजन पकाया जाता है, इसलिए वह फेंक दिया। बिकॉज द फूड वाज पॉइजन्ड, क्योंकि जो फूड था, भोजन था, वो पॉइजन्ड था, यानी जहरीला था, इसलिए फेंक दिया था, या बिकॉज द फूड वाज स्टेल, बिकॉज क्योंकि द फूड, भोजन, वाज मीन्स था, स्टेल मीन्स बासी, कि वह भोजन बासी था इसलिए फेंक दिया, या फिर बिकॉज द फूड वाज स्पाइसी, या वो भोजन मसालेदार था, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, या वो भोजन मसालेदार था इसलिए फेंक दिया था, क्या वजह थी जो फेंक दिया था। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि विकास, क्योंकि हरि सिंह, जो हरि सिंह था वो डिड नॉट नो, जानता ही नहीं था हाउ, कैसे टू कुक भोजन पकाया जाता है, और वो भोजन को पकाने में भोजन को काफ़ी जला दिया था, इसलिए वो फेंक दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज अनिल प्रोफेशन, व्हाट वाज, क्या था अनिल का प्रोफेशन, मीन्स होता है व्यवसाय, एज, जैसा कि मेंशनड, वर्णित हुआ है, यानी कि अनिल का व्यवसाय क्या था, जिस रूप में इसमें मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है, तो वह एक राइटर था, या फिर एक रेस्टलर था, या शॉपकीपर था, या फिर इंजीनियर था, लेखक था,
या एक पहलवान था, या एक दुकानदार था, या फिर एक इंजीनियर यानी कि अभियंता था। क्या था? तो आप लोगों को पता होगा कि वो एक राइटर था, एक लेखक था। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का जो दिख रहा है, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड अनिल कीप द बंडल ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर मीन्स कहाँ, डिड अनिल जो था वह कीप रखता है द बंडल, बंडल मीन्स गड्डी को ऑफ मनी, पैसे की, यानी जो धन की गड्डी थी, यानी जो पैसे की गड्डी थी, उस पैसे की गड्डी को, जो रुपए की गड्डी थी, उसको जो अनिल था वह कहाँ पर रखा था, अंडर हिज मैट्रेस, मैट्रेस यानी कि एक गद्दे में, अपने जो गद्दा था उस गद्दे में रखा था, या फिर अंडर द पिलो, या फिर पिलो मीन्स तकिए में रखा था, ए लाकर, एक लाकर में रखा था, फिर या अंडर द टेबल, या फिर टेबल में रखा था, कहाँ पर रखा था। तो आप लोगों को पता होगा कि अनिल जो था वह पैसे की बंडल को कहाँ पर रखा था, बंडल ऑफ मनी को कहाँ रखा था, अंडर हिज मैट्रेस, मतलब कि गद्दे में रखा था। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड हरी सिंह डू, व्हाट मीन्स क्या, हरी सिंह डू जो चोर था वो डू मीन्स किया, अपान मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने पर द ट्रेन, रेलगाड़ी को, टू लखनऊ, लखनऊ के लिए, जब वह स्टेशन पर पहुंचा लखनऊ के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जब गाड़ी उसकी लखनऊ वाली जो थी वो मिसिंग हो गई, छूट गई, तो हरी सिंह जो चोर था वो क्या करता है, रोम्ड ऑन स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमने लगता है, या फिर वॉक्ड इन द बाजार्स, बाजारों में घूमने लगता है, या फिर वेंट टू वॉच ए मूवी, या वेंट चला गया वॉच देखने के लिए, मूवी मीन्स फिल्म को, या फिर वेंट शॉपिंग, या चला गया शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। तो क्या करता है, जब हरी सिंह जो चोर था वह लखनऊ की गाड़ी को, ट्रेन को छोड़ देता है, वो क्या करता है, तो वो बाजार में जो है क्या करता है, टहलने लगता है, वॉक्ड इन द बाजार, वह बाजार में क्या करता है, टहलता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सेकेंड करेक्ट आंसर है ए। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs थे यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से फिर अब मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।